आज मैं एक तारे बनाने वाली फैक्ट्री में हूँ जो लोकल तारे मैन्युफैक्चर करते हैं। ये कॉपर की तार के ऊपर मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, इस पर पीवीसी की कोटिंग करेंगे और ये इसकी मशीन है। इसके ऊपर यहाँ पे इन्होंने प्लास्टिक का दाना डाल दिए येलो कलर में। इस टनल के अंदर वो पिघल के आएगा और यहाँ से तार डलेगी और यहाँ से सीधी होती जाएगी। और ये पीछे तारे लगी हुई, तारों के कॉइल लगे हुए कॉपर के। कोटिंग ऐसी सेंटर ही होगी, आगे पीछे कुछ नहीं होती। जनाब ये कोटिंग शुरू हो गई, इसको येलो कलर की, इसके यहाँ से टनल से निकल रहे हैं, इसके साथ सब पीवीसी की। आगे फौरी तौर पे अब पानी के साथ ठंडा होता जा रहा है और आगे रोल चढ़ना शुरू हो गए। कोटिंग शुरू होगी और इसके छल्ले तैयार हो गए। ताज़ी ताज़ी तार, ताज़ी सब्ज़ी, ताज़ा खाना हमेशा आपने देखा
आज अब ताज़ी तार बनते हुए देखें। ये इसका नंबर है 329, तीन तारें इसके अंदर और 29 की है इनकी। ये घर के अंदर छोटी वायरिंग में या यूपीएस में रखती है। यार ज़िंदगी में बहुत बड़ा मसला मेरा हाल हुआ है। सोचता था कि इनकी कोटिंग कैसे होती है, आज देख भी ली। ऐसे कोयल की मेजरमेंट भी नाल आ रही, मेजरमेंट साथ चल रही। कितना? 100 फुट गज होता है, 97 गज का मतलब 300 मीटर, 300 मीटर, 300 फुट होएगी तकरीबन। ले जी, ये तार चल रही है, तार से होते होते प्रोसेस इसके अंदर से सारा इस पर कोटिंग हो रही है। यहीं पे कलर पे चेंज कर देते हैं दाने का। लाल, नीली, पीले रंग की जो भी तार चाहिए होती इस तरीके से इसकी कोटिंग हो जाती है। रंग तो पता नहीं, पता कैसे चलेगा यूपीएस की कौन सी तार आ रही है। दो रंग कर देते हैं, दो नीले दो पीले कर देते हैं। व्हाइट नहीं है, व्हाइट की जगह नीला कलर डाल देते हैं। तार टूटते नहीं जो गंड बजती है, है? तो तांबे की चीज नहीं, खिंचते पैंती है ना, फिर भी ज्यादा खिंचनी ना पैंती। सिल्वर टूटती है,
ਉਹ ਵੀ 100 ਫੁੱਟ 100 ਗਜ਼ लो जी, ये वहां से चली बनते बनते अब ये कॉइल की शक्ल में हमारे हाथ में आ गई। आज तार के ऊपर कोटिंग करने का प्रोसेस पूरा देख लिया और उम्मीद है सबको पसंद जरूर आएगा। अगली किसी अच्छी सी वीडियो के इंतज़ार में इंशाल्लाह फिर से लोड करूँगा। खुदा हाफिज़।